हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर और गाजर का सैंडविच इडली। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप कसा हुआ गाजर, 1 कप कसा हुआ पनीर, 1/2 कप कसा हुआ ताज़ा नारियल और थोड़ा सा धनिया और इडली बैटर। पहले हम लोग एक बाउल में पिसा हुआ गाजर, पनीर और कोकोनट डालेंगे, धनिया और उसमें मिक्स अर्ब और मैक्सिकन सीजलिन और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वो अच्छी तरह मिक्स होने के बाद उसे छोटे छोटे गोल आकार का पतले पतले टिक्की बना लीजिए। मैं वीडियो में कैसे दिखा है वैसे बना लीजिए। ये सभी होने के बाद इडली बैटर लेंगे उसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बाद में एक इडली का साँचा लेंगे, उसमें एक मलमल कपड़ा डालेंगे वाइट कलर का और पानी लगा देंगे। पानी अच्छी तरह लगा लीजिए। पानी लगाने के बाद फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। सभी को बैटर डालने के बाद उसके बीच में बनाया हुआ पनीर यानी गाजर का टिक्की को रखेंगे। वो सभी रख के फिर उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा इडली का बैटर डालेंगे। बैटर डालने से पहले से ही मैंने इडली बर्तन में पानी उबालने के लिए रखी थी। उसमें इडली का साँचा रखेंगे, फिर बंद करके 5 से 6 मिनट स्टीम करेंगे। स्टीम होने के बाद चेक करके 5 मिनट छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इडली साँचा को बाहर निकाल दीजिए। कपड़ा सूखा हुआ रहते पानी डाल दिए तो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, फिर इडली जो है ना अच्छी तरह निकल जाएगी। ऐसे करने से ना हम लोगों को इडली का साँचा को तेल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर वो वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा। आटे को प्लेट को चिपक गया ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए कपड़ा डाल दिए तो अच्छी तरह निकल जाएगा इडली।
सभी इडली को निकालने के बाद एक प्लेट में रखिए। फिर ऐसे ये देख लीजिए, काटने के बाद अंदर से ऐसे दिखेगा। ये हेल्दी यानी पौष्टिक रहते हैं और इसमें ऑयल भी नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। डाइट लोग पहले खा सकते हैं इसको, और इसके साथ में चटनी और सॉस कोई भी चलेगा। ये रेसिपी कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरा नया रेसिपी आपको पहले मिले। इसे आप लोग आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।